हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर अपने 0 to 1 के फॉलोअर जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी का जो है वो सपना होता है कि हमारे भी इंस्टाग्राम पर जो है वो 1000 फॉलोअर्स हो जाए। चाहे आप दोस्तों आपका पर्सनल अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, या फिर आपका दोस्तों जो है वो कोई थीम पेज हो या फिर कोई एक नीश पेज हो, तो हर किसी को दोस्तों यहाँ पर ये लगता है कि हमारे जो है वो 1000 फॉलोअर्स हो जाए। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पर जो माइलस्टोन जो है वो पार करना पड़ता है वो है दोस्तों होता है 1K फॉलोअर्स। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स कैसे करने हैं, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ कौन। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मेरे बहुत से ऐसे नीश पेजेस हैं और दोस्तों कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के जिस पर दोस्तों अभी के टाइम पे दोस्तों 30,000 फॉलोअर्स, इसी में 50,000 फॉलोअर्स है। और दोस्तों मेरे कई ऐसे पेजेस हैं जिनमें दोस्तों मैंने जो है वो एक एक दिन में दोस्तों 1000 फॉलोअर्स, 1500 फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो क्लियरली बता सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं। और इसकी दोस्तों जो है शुरुआत होगी दोस्तों वो होगी दोस्तों 0 to 1K फॉलोअर्स। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है वो होता है 1K फॉलोअर्स का। अब दोस्तों 0 to 1K फॉलोअर्स कैसे करने हैं, इसके दोस्तों मैं कुछ आपको 4 तरीके बताऊंगा, वो तो आप फॉलो करेंगे ही, पर इससे पहले दोस्तों आपको जो है वो कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये है, दोस्तों इंस्टाग्राम पर जो भी आदमी आपको जो है वो फॉलो कर रहा है वो एक ह्यूमन है दोस्तों, वो आपको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ मतलब उनको जो है वो ऑफर करना है। अगर दोस्तों कोई आपको फॉलो करना है तो इन रिटर्न आपको दोस्तों उनको जो है वो वैल्यू देनी है, अपने पोस्ट, कंटेंट, रील्स, स्टोरी, किसी भी तरीके से दोस्तों आपको जो है वो उनको वैल्यू देने पर फोकस करना है। अब दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने से पहले आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो बायो है उसको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दोस्तों बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। दोस्तों इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको जो है वो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फोटो है आप उसे अच्छे से लगाइए। अगर दोस्तों आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप वहाँ पर जो है वो अपना खुद का फोटो जो है वो लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के रिलेटेड एक लोगो लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई थीम पेज है या फिर निश पेज है तो आप उसके हिसाब से जो है वो एक अपना लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है वो एक अट्रैक्टिव बायो लिखना है जिसमें दोस्तों आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को मिल जाए। इसके अलावा अगर दोस्तों आपकी कोई वेबसाइट हो तो आप अपनी वेबसाइट की लिंक भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो अपने बायो में लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहली बात हो गई वो है दोस्तों अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी बात हो गई वो मैंने आपको जो है वो शुरू में ही बताया कि आपको दोस्तों यूज़र को वैल्यू देने पे फोकस करना है। अगर दोस्तों कोई यूज़र आपको जो है वो फॉलो कर रहा है तो किसी ना किसी वजह से ही दोस्तों आपको फॉलो कर रहा है, तो उनकी नीड दोस्तों आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी और उनको उस तरह का कंटेंट दोस्तों वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिए। अगर आपको इसके बारे में और एक डिटेल वीडियो चाहिए, अगर मैं दोस्तों आपको यहाँ पर ही बैठने मतलब बताने बैठ जाऊँ कि इंस्टाग्राम पर दोस्तों आपको जो है वो कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके रिलेटेड में अगर आप कमेंट करेंगे तो एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है, प्रोफाइल फ़ोटो बायो वगैरह अच्छे से लगा देना है, वेबसाइट की लिंक वगैरह, और दूसरी बात कि अपने कंटेंट में दोस्तों वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। इन दो बातों को ध्यान में रखकर अब दोस्तों मैं आपको 4 तरीके बताऊँगा जिनसे आप इंस्टाग्राम पर अपने पहले 1000 फॉलोअर्स कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टेक्निक के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 4 टेक्निक्स बताने वाला हूँ 1000 फॉलोअर्स करने के लिए। तो सबसे पहले जो टेक्निक होगी वो है दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो मेथड। अब दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से लोग जो है वो मतलब फॉलो फॉर फॉलो मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। जिन लोगों को फॉलो फॉर फॉलो मेथड क्या है वो नहीं पता, जिन लोगों को मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फॉलो फॉर फॉलो मेथड में क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को जो है वो फॉलो करते हैं और इन रिटर्न दोस्तों वो भी आपको जो है वो फॉलो करते हैं। इसे कैसे करना है मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो बेसिकली दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपका दोस्तों कोई एक मीम पेज है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक मीम पेज है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं फॉलो फॉर फॉलो मेथड में कि आप कोई दूसरे अपने कंप्यूटर मीम पेज पर जो है वो जा सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होता है कि अपने कंप्यूटर के पेज पे जाना होता है और उनके दोस्तों जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट होती है उनमें जिन लोगों ने जो है वो लाइक किया होता है
तो उनको दोस्तों वहाँ पर आपको जो है वो फॉलो करना होता है। आपको दोस्तों एक घंटे में कम से कम 30 लोगों को जो है वो फॉलो करना है, ज़्यादा भी मत कीजिए। आपकी प्रोफाइल जो है वो मतलब यहाँ पर बैन हो सकती है इंस्टाग्राम के, मतलब कभी कभी पॉलिसीज के अगेन होता है। यहाँ पर दोस्तों आप एक घंटे में 30 लोगों को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉलो सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है, जैसे ही आप उनको जो है वो फॉलो करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों जो है वो फॉलोइंग का ऑप्शन आना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर जो है वो फॉलो करते हैं और वहाँ पर दोस्तों जो है वो रिक्वेस्टेड आता है, तो आपको ऐसे लोगों को जो है वो फॉलो नहीं करना, सिर्फ उन्हें ही फॉलो करना है जिनके यहाँ पर दोस्तों फॉलोइंग आता है। यहाँ पर दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो मेथड को आपको सिर्फ 500 फॉलोअर्स तक ही यूज़ करना है, इसके बाद मत कीजिए। और इसको जो है वो ज़्यादा भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसका जो दोस्तों मतलब कन्वर्जन रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कन्वर्जन रेशियो से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप मतलब 100 लोगों को जो है वो फॉलो करते हैं तो उसमें से दोस्तों 5 से 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको फॉलो बैक करते हैं। पर शुरू में दोस्तों 5 से 10 मतलब फॉलोअर्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर दोस्तों ग्रो करने के लिए जो इनिशियल 1000 फॉलोअर्स है वही दोस्तों आपकी जो है वो न्यू होते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स होते हैं आपके 1000, यही दोस्तों आपकी पोस्ट के साथ जो है वो इंगेज करते हैं। और जैसे ही दोस्तों आपकी पोस्ट को थोड़ी बहुत भी इंगेजमेंट देखने को मिलती है तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उसे जो है वो एक्सप्लोर पेज पर जो है वो पुश करता है और वहाँ से आपको जो है वो और ज़्यादा फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों 1000 फॉलोअर्स आप ये कह सकते हैं कि ये आपके इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसकी जो है वो न्यू है, वो ये जो है वो फाउंडेशन है। जो दोस्तों दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका दोस्तों मतलब कोई टेक्निक नहीं है, ये दोस्तों मैंने पर्सनली जो है वो मतलब फॉलो किया है और इससे मुझे दोस्तों काफ़ी फॉलोअर्स देखने को मिले हैं। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये दोस्तों एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एक तरीका है, या जो कहना है आप कह सकते हैं इसे, ये है दोस्तों बी कंसिस्टेंट। आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आपके आपको अपने पेज पर दोस्तों कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप दोस्तों दिन में एक पोस्ट डालते हैं, फीड पोस्ट, या फिर एक रील्स डालते हैं, एक स्टोरी डालते हैं, जो भी दोस्तों आपका जो फॉर्मेट है, जो भी आपका शेड्यूल है, उस हिसाब से दोस्तों आपको जो है वो मतलब पोस्ट करते रहना है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि आपने एक दिन जो है वो पोस्ट किया और 3-4 दिन तक गैप ले लिया और 3-4 दिन के बाद आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने दोस्तों खुद ये नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम अगर आप जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके मतलब जो पोस्ट होते हैं उनको दोस्तों एक्सप्लोर पेज पर जो है वो दिखाना शुरू करता है। अगर दोस्तों आप बीच में गैप लेते हैं और अगर आपका कंटेंट भी अच्छा है पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो इंस्टाग्राम आपके पेज को जो है वो डेड कर देता है। मेरे खुद के दोस्तों ऐसे कुछ पेजेस हैं जिन पर जो है वो दोस्तों 10 मिलियन की रीच थी, पर मैं उन पेजेस पर दोस्तों कंसिस्टेंट नहीं रह पाया और उस पेज पर आज के टाइम पर दोस्तों मतलब 10,000 की भी रीच नहीं आती। कहाँ पर आप सोचिए कि 10 मिलियन और कहाँ पर 10,000। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको दोस्तों यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पर अगर आप दिन में 2 पोस्ट डालते हैं तो दिन 2 पोस्ट यहाँ पर डालिए ही डालिए, और अगर आप 2 पोस्ट और एक रील्स डालते हैं तो ये इस फॉर्मेट के साथ दोस्तों आपको कंटिन्यू करते रहना है 1 महीना 2 महीना 3 महीना। और मेरी गारंटी है दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट जो है वो मतलब कुछ महीने बाद जो है वो देखने को मिलेंगे, और आपके 1000 क्या दोस्तों यहाँ पर 10,000 फॉलोअर्स भी अगर आप कंसिस्टेंट है तो हो जाएंगे। दोस्तों जो तीसरी टेक्निक है अपने 1000 फॉलोअर्स करने के लिए वो है दोस्तों पोस्ट रील्स। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम की जो रील्स है इंस्टाग्राम उसे पुश करना बंद कर दे रहा है, पर ऐसा नहीं दोस्तों। इंस्टाग्राम अभी भी दोस्तों जो है वो रील्स को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है, पर वही बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना है। आप कंसिस्टेंटली दोस्तों रोज़ की 1 रील्स डालिए, 2 रील्स डालिए, आपको यहाँ पर दोस्तों मतलब आपकी जो रील्स है दोस्तों वो यहाँ पर वायरल होना शुरू होंगी। और दोस्तों रील्स से दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं, तो ये फॉलोअर्स दोस्तों आपको मतलब ग्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रील्स भी डालिए अच्छी अच्छी। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे डालते हैं और किस तरह से जो है दोस्तों हम उसे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। जो हमारी चौथी टेक्निक है दोस्तों वो है दोस्तों कोलैबोरेशन। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आप दोस्तों कोलैबोरेट कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें जो है वो बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट में देखने को मिलता है, पर्सनल अकाउंट में नहीं देखने को मिलता शायद। तो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन जो फीचर है उसको भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा है।
इसका यूज़ दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं ऑर्गेनिक मेथड से। अगर आप पेड मेथड से करते हैं तो वो बात अलग है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको फ्री तरीके बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के। तो इंस्टाग्राम जो कोलैबोरेशन है उसे आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो इसमें आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके 500 फॉलोअर्स है, तो आप दोस्तों जिनके दोस्तों 400 फॉलोअर्स है या फिर जिनके 600 फॉलोअर्स है उनको दोस्तों डीएम कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि जो जिसको आप डीएम कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए वो आपके निश का ही होना चाहिए। अगर आपका निश दोस्तों मोटिवेशन है तो आप किसी सिमिलर मोटिवेशन पेज को जो है वो डीएम कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर बात ध्यान में रखिए कि सिमिलर यहाँ पर आपको निश भी सिमिलर रखनी है और आपके फॉलोअर जो है वो लगभग सिमिलर होने चाहिए। अगर आपके 400 फॉलोअर्स है तो आप 500 फॉलोअर्स वाले को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं या फिर 300 को। आप ऐसा मत कीजिए कि आपके 400 फॉलोअर्स है और आप 5000 फॉलोअर्स वाले को जो है वो डीएम कर रहे हैं, वो आपको रिप्लाई ही नहीं देगा। तो आपको अपने सिमिलर बंदे के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना है और कोलैबोरेशन से भी दोस्तों जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर कहने का ये है कि दोनों को भी फायदा होता है। जो उसके फॉलोअर्स है उस बंदे के वो आपको फॉलो करते हैं अगर कंटेंट अच्छा हो, और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल बेनिफिट है और दोनों का भी फायदा होता है। तो ये है वो दोस्तों चार तरीके इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए, अपने इनिशियल फॉलोअर्स करने के लिए, 0 to 1K फॉलोअर्स। अगर दोस्तों आपको 1K to 10K कैसे जाना है इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1000 से 10000 फॉलोअर्स कैसे करें इसके ऊपर भी दोस्तों एक वीडियो लेकर आऊँगा। और आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाए वो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।